यस आदित्य, ये है हमारा यूपीएस गोइना का छात्र आदित्य। आपने कौन सी कहानी बनाई है बेटा? मच्छर से बचाओ। आपने कहानी बनाई है मच्छर से बचाओ, ठीक है। आप हमें अपनी कहानी सुनाएंगे? यस। ओके, जोर से सुनाइएगा थोड़ा सा। बहुत समय पहले की बात है, चंदनपुर गांव में एक दिन इतनी गंदगी हो गई। उस गंदगी के कारण वहां के लोग बीमार होने लगे, उस गंदगी से मच्छर पैदा होने लगे। फिर एक दिन वहां से शहर का एक लड़का जा रहा था। लड़के ने देखा वहां कितनी गंदगी है, वहां के लोग कितने बीमार हैं। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी मदद कर दूं। फिर उसने शहर से कचरा गाड़ी को मंगवाया और फिर वहां का सारा कूड़ा कचरा उठवाकर कूड़े के गड्ढे में डलवा दिया। फिर उसने शहर से डॉक्टर को बुलवाया और गांव वालों को ठीक करवा दिया। फिर उसने गांव वालों को समझाया कि आप लोग कूड़ा डस्टबिन में डाला करो, इससे गंदगी पैदा नहीं होगी और ना ही कोई कीड़े पैदा होंगे। और अपना पानी ढककर रखें और आप लोग मच्छरदानी में सोएं और अपने घर के बाहर मिट्टी का तेल नाली में डाल दें। थैंक यू। वेरी गुड आदित्य, आपने बहुत ही अच्छी कहानी बनाई है जिसमें आपने गांव वालों को जागरूक किया है कि मच्छरों से कैसे बचें और मच्छरों से हमें क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, मच्छरों से कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, है ना। और साथ में आपने इतना सुंदर ये एक मॉडल भी ट्री का तैयार किया है, तो वेरी गुड आदित्य, गुड जॉब। ओके बेटा।